हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे होंगे। माय वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रतनलाल आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ आए हैं ब्रज बाबा जी के कलर करने के लिए। कलर कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। जब भी अपन कलर करने जाएं तो सबसे पहले उसको बैकग्राउंड को पोत देना चाहिए, उस तरह से कलर कर देना चाहिए। कलर में सबसे अहमियत बात होती है इस चेहरे को बनाना, चेहरे बनाना। यदि चेहरा यदि सही ढंग से बन गया है तो समझ लेना आपका काम 100% हो गया। चेहरा रुक गया तो समझ लेना काम अधूरा रह गया। तो इसमें सबसे अच्छी यही बात होती है, मूर्ति में कहीं भी कलर करने जाएं तो चेहरे का विशेष ध्यान रखें। आप चैनल पर बने रहें, हम और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे कैसे इसमें कलर करते हैं, कैसे इसमें मिक्सिंग डालते हैं। अभी इसमें आप बने रहें इस चैनल में। बाल जी कलर आज हम कर रहे हैं, बाल जी कलर कर रहे हैं, इसमें कैसे मिक्सिंग देते हैं, कैसे क्या करना है, हम आपको इस चैनल के माध्यम से जिसे अधिक जानकारी देना चाहेंगे। हमने अभी येलो कलर दो तीन कलर यूज़ किया है। फर्स्ट तो व्हाइट कलर यूज़ किया है, व्हाइट कलर हमारे पास ये रखा है व्हाइट कलर। उसके बाद इसमें ब्लैक कलर की शाइनिंग दी है, ब्लैक कलर लिया है, येलो कलर भी लिया है और रेड कलर लिया है। ये हमारा कम से कम ये है, अभी आधे घंटे का काम हो चुका है। अब हमें चेहरा बनाना है फुलवा जी के। कैसे बनाते हैं आज चैनल में बने रहे, हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। माई माई वर्ल्ड रतन आर्य बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कलर दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हमने स्काई ब्लू कलर चूज किया है, स्काई कलर चूज बैकग्राउंड का कलर देते हैं। बढ़ जाए का सबसे अहम रोल होता है।